खबर है रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ के अकलतरा विधानसभा में स्थापित की एसके महानदी वर्धा प्लांट के मजदूर और प्लांट प्रबंधन के बीच पिछले एक माह से चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिनों दिन यह विवाद और गहराता जा रहा है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्लांट के मजदूर के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए 17 सितंबर को प्लांट प्रबंधन ने प्लांट को लॉकआउट कर दिया था, जिसमें प्लांट में काम करने वाले लगभग 5000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दखल किया था। और जिला प्रशासन के दखल के बाद प्लांट बंधन, मजदूर संघ और जिला प्रशासन के बीच श्रम कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी और सहमति बनी थी। प्लांट प्रबंधन प्लांट जल्द चालू करेगा और सभी मजदूरों को काम पर लिया जाएगा। प्रबंधन ने प्लांट चालू तो किया, लेकिन प्लांट प्रबंधन ने नई साजिश रचते हुए लॉकआउट का विरोध करने वाले 35 मजदूरों व मजदूर यूनियन के नेताओं को प्लांट के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दिया है, जिस पर मजदूर फिर से नामबंद हो चुके हैं। पुनः प्लांट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए 14 अक्टूबर से क्रमिक भूख हड़ताल चालू कर दिया है। भूख हड़ताल से भी बात नहीं बनी तो मजदूर पिछले दो दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। आधी रात को पुलिस और जिला प्रशासन ने मजदूरों के पंडाल उखड़वाकर अनशन खत्म करने का दबाव बनाया। बात नहीं बनने पर 67 मजदूरों को जांजगीर जेल में डाल दिया है। जेल जाने के बाद जेल के अंदर ही मजदूरों ने भूख हड़ताल चालू कर दिया है, तो वहीं जेल के बाहर मजदूरों के परिजन और बाकी मजदूर साथी जेल के सामने ही बैठकर धरना कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करते हुए गिरफ्तार मजदूरों को रिहा नहीं किया गया तो जेल के सामने ही भूख हड़ताल की जाएगी। मोर पति लला के जेल में कर दे है, ए मन अपन मांग पूरा करे बर हड़ताल करत रही से, न कोई भगदड़ मचा है, कुछ नहीं, शांति पूर्वक करत रही से हड़ताल। मन के मांग ला नहीं पूरा करे है, मन काल तुमन कलेक्टर तुमन के काल फैसला हो ही कि बताए रही सब हमन के आए के बाद, घर आए के बाद एमन 12 बजे रात कन जेल अंदर कर दे। अगर एमन हमार पति नहीं छोड़ी और हमन के जो एजात है मांग पूरा नहीं करी तो हम मनी कर हड़ताल में आके बैठबो। आवाज छन बैठे हन हड़ताल करते हैं अंदरों में, नहीं खाते हमन और अमन नहीं खाते तो हमन का खाबो, हम आंदोलन करबो। कल रात को हम लोग अनशन आमरण में हमारे साथी लोग बैठे थे, उसमें प्रशासन के लोग वहाँ आकर हमको मारपीट लाठीचार्ज किए और उठा कर ले गए। तो अपने बचाने के लिए अपने अनशन भाइयों को हम लेकर इधर उधर चले गए। कुछ हमारे 67 लोगों भाई को कल जेल में डाल दिया है रात को 12 बजे और पंडाल लोगों को तोड़ कर ले गए हैं। इसलिए हम अपना जो 35 लोगों को बाहर नहीं करेंगे तो और 17,000 रुपये ले देना होगा, अगर नहीं देगा तो हम और 67 आदमी को जेल से रिहा करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम यही भूख हड़ताल करेंगे। कार्यपालिक दंडाधिकारी अकलतरा द्वारा सुबह 5 बजे 67 बंदी को एक अनिल कुमार तिवारी एएसआई, 3 प्रधान आरक्षक, 12 आरक्षक द्वारा जेल प्रवेश लिया गया है 151, 116, 117 धारा में कार्यपालिक दंडाधिकारी अकलतरा द्वारा जारी। नहीं, इसको तो हम नहीं कह सकते ना भाई कि वो भूख हड़ताल करना चाहते हैं, क्या करना, हम नहीं, हमें जेल प्रशासन है जो लाए हैं उसका कर्तव्य निभा रहे हैं। अधिकारी भी अपने जो 67 बंदी भेजे हुए हैं उसकी वो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, बाकी प्रशासन के ऊपर है, उनके परिजन को क्या करेंगे, प्रशासन के ऊपर होते। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111000,
9। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।